अस्सलामुअलैकुम, हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बहुत ही क्विक एंड इजी ब्रेकफास्ट रेसिपी बनाऊंगी। तो ये बहुत ही हेल्दी एंड क्विक रेसिपी है और ये वेट लॉस रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने 2 कप्स पानी डाला और इसमें मैंने 5 टेबल स्पून ओट्स डाला। तो इसको मैं ज़्यादा देर पकाना नहीं है, थोड़ी देर पकाऊँगी मैं इसको। 2 मिनट्स तक पक जाएगा ये। जब ये ठीक हो जाएगा तो मैंने थोड़ा और भी ओट्स डाल दिया इसमें। तो मुझे ऐसा लगा जो मेरे फैमिली है तो कम होगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा और डाल दिया। कोई बात नहीं, आप अपना हिसाब से डालिए। तो देखिए ये अभी थोड़ा ठीक हो गया। तो अभी मैं गैस का स्विच फ्लेम ऑफ कर दूंगी। तो अब यहाँ पे मैंने 2 एप्पल्स लिया और 2 बनाना लिया और 1 पोमोग्रेनेट। तो अभी मैं इसको अच्छे से चॉप कर लूँगी। तो इसको एकदम अच्छे से फाइन चॉप करना है। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, मॉर्निंग के लिए बहुत ही अच्छा है और ये वेट लॉस रेसिपी है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से कट कर लिया। तो अभी मैं एक बाउल में इसको डाल दूँगी। तो अभी चॉप किया हुआ फ्रूट सैलेड इसमें डाल दूंगी एक एक करके। सबसे पहले मैंने इसमें बनाना दिया, एप्पल, और लास्ट में पोमोग्रेनेट। और ये सनफ्लावर सीड, पम्पकिन सीड और वाटरमेलन सीड है। तो इसको मैंने पहले से रोस्ट करके रख दिया। ये डेट सिरप है और ये हनी है, अजवाइन हनी। तो आप यहाँ से कोई भी दे सकते हो। तो मुझे हनी और डेट सिरप मैं दोनों ही डालूँगी। और इसमें शुगर आपको एकदम नहीं डालना है। अगर आपके पास अजवाइन हनी नहीं है तो आप नॉर्मल हनी डालिए। मेरे पास अजवाइन हनी अवेलेबल था तो इसलिए मैंने अजवाइन हनी डाला। ये बहुत ही आसान एंड क्विक इजी ब्रेकफास्ट रेसिपी है। ये चटपट बन जाता है और बहुत ही हेल्दी एंड वेट लॉस रेसिपी है एंड बहुत टेस्टी होता है। तो आपने कभी अगर ट्राई नहीं किया तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखने से भी लग रहा है कितना टेस्टी है, देखिए। तो आज का रेसिपी कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।